ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅବିନାଶ। ଅଥା ସତ ଅଥା ଗପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା। ଆମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଥିଲା ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ଅଲୌକିକ। ଗୁମ୍ଫାର ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷ ନାଗଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ତ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲୁ ତାହା ଆମକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଥିଲା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ରେକର୍ଡ କରିନଥିଲା। ରେକର୍ଡ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବି ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଭୂମିରୁ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ଯିବା ପାତାଳରେ ଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଦେବଲୋକକୁ। ଶେଷ ନାଗଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା ପୁରାଣ ଯୁଗର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର। ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକ କାଟିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଗଣେଶଙ୍କ ଶରୀର, ଯାହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ୟେ ଜୋ ଆପ୍ ଦେଖ୍ ରହେ ହୈଁ, ୟେ ଆଦି ଗଣେଶ। ଆଦି ଗଣେଶ, ଆଦି କା ମତଲବ ହୁଆ ସିର କଟେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ୟାନି ଭଗବାନ ଶିବ ନେ ଆପ୍ ଦେଖେ ଇନକା ସିର କାଟ ଦିଆ। ଆଚ୍ଛା, ୟେ ଆପ୍ ଦେଖ୍ ରହେ ହୈଁ, ୟେ ସିର୍ଫ ଧଡ଼ି ଧଡ଼ା ହୈ ଇନକା। ଆଚ୍ଛା, ଶରୀର ସିର୍ଫ ମୌଜୁଦ ହୈ ଔର ସର ନହିଁ ହୈ। ସିର କାଟ ଦିଆ ଥା ଭଗବାନ ଶିବ ନେ ଜି। अब इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें धड़ की पूरी फिगर नजर आती है। कैसे? इसमें आप देखिए, ये इनकी भोजन नली है। ओके। जो कटने के बाद दिखती है। ओके। ये श्वास नली है। ओके। मतलब ये एक खाने की नली है जी, और ये सांस की नली है और ये गले के नस है इसके। ओ ठीक है, ये धड़ गणेश। ओके। और इनके ऊपर से आप देखिए, सहस्त्र दल कमल का फूल है, ऊपर आप नजर डाल। ये कमल का फूल है ऊपर। जी जी जी, ये क्या है? सहस्त्र दल कमल है, इसके अलग अलग पंखुड़ियां हैं। सहस्त्र दल कमल। जी जी जी। और इस कमल के फूल से जो है अमृत का छिड़काव किया गया। हाँ। जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा, ऐसा इसका पौराणिक उल्लेख है। अच्छा, भविष्य चारिधाम केउठी हेबो, कहार हेबो, ए संपर्क रे मध्य पाताल भुवनेश्वर रे ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ବି ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାରିଧାମର ଦର୍ଶନ କରିହେବ। ଅଗର ଆପଣ କଭି ସୋଚା ହେ କି ଆପ ଚାରୁ ଧାମ କି ଯାତ୍ରା କରେଁ, ଆପଣ ଯୋ ଭି ପାପ କିଏ ହେଁ ଉନସେ ଆପ ଛୁଟକାରା ପା ସକେଁ, ତୋ ଆଜ ହମ ଆପକୁ ଏକ ହି ଜଗା ପର ଚାରୁ ଧାମ କା ଦର୍ଶନ କରା ସକତେ ହେଁ। ଔର ୟେ କମାଲ ହେ ପାତାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଫା ମେଁ। ହିମାଳୟ ମେଁ ଜୈସେ ଚାର ଧାମ ଦର୍ଶାଏ ଗଏ ହେଁ, वैसे ही चार धाम इस पाताल के अंदर भी हैं। इसमें आप देखिए, चार धाम की यात्रा के बराबर भुवनेश्वर के दर्शन से फल प्राप्त है आदमी को। यदि आदमी को चार धाम जाने होंगे तो उसको अलग अलग तीर्थों में जाना पड़ेगा। तो भुवनेश्वर एक ऐसा स्थान है जहां आदमी एक ही दृष्टि में चार धाम के दर्शन कर सकता है। इसमें आप देखिए, ये केदारनाथ जी का शिवलिंग है। ये आप देखिए, ये शेप जो है पूरी केदारनाथ की है। अगर आप लोग केदारनाथ में गए हैं तो यही शिवलिंग केदारनाथ में है। अब आप देखिए, इसके बगल में है पंचबद्री। पंचबद्री जी हाँ। इसमें आप देखिए, ये विष्णु है, ये कुबेर है, ये लक्ष्मी है, ये गरुड़ है और ये यम है। और इनके ऊपर में आप देखिए, ये अमरनाथ है। कश्मीर में जब अमरनाथ जी का शिवलिंग बनता है बर्फ का, तो शुरुआत इतने से होती है। ये पहले दर्शन दिखाए गए हैं अमरनाथ जी के। अच्छा। और इसके अंदर आप देखिए, गुफा का शेप वो भी अमरनाथ जी का ही जैसा है जैसा अमरनाथ जी में है। अच्छा। ये अंदर आप देखिए, वही गुफा है अमरनाथ जी की। ओके। जो आज के दिन में भी कश्मीर में अमरनाथ जी में मौजूद है, वही भुवनेश्वर में भी है, ये जो आप देख रहे हैं। और चौथा धाम जो है पुरी के लिए भी मार्ग है यहाँ से। पुरी के लिए? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि पाताल में जो है
अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन कलयुग का आम मनुष्य उन गुफाओं या उन कंदराओं में प्रवेश नहीं कर सकता है। आगो को जीवा पाई थिला एक रहस्यमय रास्ता, रास्तार आगरे थिला एक विचित्र आकृति, ये आकृति मनुष्यर जिह्वा परी देखा जाउथिला। तो पंडित जी, ये जो सामने स्ट्रक्चर है ये क्या है? अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ये काल भैरव की जीव है। काल भैरव की जीव? जी। इसमें क्या है, भैरव ने अपना पूरा मुंह खोला है, ये जो अंदर आप देख रहे हैं, और ये इनकी जीव है, और इनके मुंह से जो है ब्रह्म लोक का मार्ग है। अच्छा, आगे अंदर, जो अंदर आप देखिए ये मार्ग आपको दिख रहा है जी, ये ब्रह्म लोक का मार्ग है। ये ब्रह्म लोक का मार्ग है? जी हाँ, ये ब्रह्म लोक का मार्ग है। इसका पौराणिक उल्लेख ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कलयुग में अगर वो काल भैरव के मुंह से प्रवेश करके इनकी पूंछ तक आदमी निकल जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। दोबारा जन्म नहीं होगा? जी हाँ। लेकिन वो अंत है कहाँ, पूंछ कहाँ पर है? इसका जो है इसके 5 मीटर पर गर्भ है, उसके बाद गर्भ के बाद फिर इनकी पूंछ है, लेकिन वो अत्यंत तंग मार्ग है। अच्छा, तो पुराण में ऐसा उल्लेख है स्कंद पुराण में, जो आदमी यहाँ चला जाएगा इस गुफा में उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। गुंफार प्रत्येक पत्थर थिला पौराणिक कहानी गोटे गोटे प्रमाण। शंकर जी का पूरा झोला है ये, अंदर से खोखला है ये जो आप देख रहे हैं, और ऊपर से भी सुराग है और नीचे से भी सुराग है इसमें, ये क्या है, शिव झोली है। पाखरे थिला आउ एक पत्थर जहाँ कि महादेव को आसन कहा जाए। ये भगवान शंकर जी का आसन है, और अंदर से आप देखिए शेर की खाल भी है, ये जो आपको दिख रही है मिट्टी में नजर आ रहा है ना, अंदर मिट्टी का जैसा बना हुआ, ये जो है शेर की खाल है, और बाहर से उनका पूरा आसन लटका हुआ है। किसी बाट गला परे आम आगरे थिला भुवनेश्वरी देवी का प्रतिमूर्ति, जहां को ना रे पड़ी गुंफार ना। रहस्य और रोमांचन यात्रा रे समय हिचे को छोटो ब्रेक रो, ब्रेक परे यात्रा आगु को जारी रहबो। हमने काल भैरव की जीव देख ली और शिव जी का आसन देख लिया। पंडित जी, अब ये क्या है हमारे सामने? ये जो आप देख रहे हैं सर, ये है पाताल की देवी। पाताल की देवी? जी हाँ। इनका नाम है माँ भुवनेश्वरी। आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है और आंखें हैं, और गले में आप देखिए मुंडू की माला है, क्योंकि देवी मुंडू की माला धारण करती है, और साइड से आप देखिए शेर का मुंह है, और हाँ ये जो आप देख रहे हैं, और कंधे में इन्होंने धनुष डाला है, और नीचे में जो आप देख रहे हैं ये फरसा है। गुंफारे आगकु थिला द्वापर युगर आउ एक कहानी। आमे से ही गुंफा पाखरे पहुंची सारिथिलु, जेउठी महाभारत कालरे राम भक्त हनुमान भीमंक बाट उगाळीथिले। कृपया अपनी पूछ हटाइए। सुना नहीं, कृपया अपनी पूछ हटाइए। पूछ हटाते हो क्या, उठाकर फेंक दूं? पूछ हटाते हो क्या, मैं हटाऊं? हटा दो, हटा दो। ये माना जाता है ये वो जगह है जहां पर भगवान हनुमान की मुलाकात हुई थी भीम से, और भीम उनको पहचान नहीं पाए थे, और उन्होंने उनकी दुम को, उनकी पूंछ को उठाने की कोशिश की, और अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो उस दुम को नहीं उठा पाए। आम को कहगला द्वापर युगर एठारे रही थे पांडव, एठारे ही पांडव को दर्शन देते महादेव, आउ एठारे ही महादेवों सह पांडव बसा खेली। ये वो जगह है जहाँ पर महाभारत के बाद पांडवों ने चौपड़ खेला, और वो चौपड़ किसके साथ खेला? भगवान शिव के साथ। अच्छा, माँ पार्वती को भी बैठाया उन्होंने चौपड़ में। तो यहाँ से गुफाएं हैं सर जो अपने अपनी कलाओं से युक्त हैं। तो पाताल भुवनेश्वर में हर जगह देवी देवता मौजूद हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। हाँ, ये जटाओं के नीचे आप देखो 33 करोड़ देवी देवता हैं।
ये सारा जो जी हाँ, ये जो सूक्ष्म लिंगों के रूप में आप देख रहे हैं, ये 33 करोड़ देवी देवता भगवान शिव की आराधना में है इस पाताल में। तो इस पाताल के अंदर भगवान शिव के हजारों शिवलिंग हैं जो चमत्कारी नाम से बताए गए हैं। तो उनमें से एक शिवलिंग हम देखेंगे, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जी, इनका नाम क्या है, भगवान नर्मदेश्वर। इस शिवलिंग की यह पहचान है, इसमें आप देखिए आधा अंग इनका गीला है, लेकिन आधा अंग इस लिंग का ऐसा है अगर आप इसके ऊपर जल डालेंगे ये उसको पी जाएंगे। ये आप देखिए इतना अंग इनका पूरा पानी अंदर खींचता है। अच्छा, ये पानी को सोख लेता है। जी 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 जी। तो इस शिवलिंग का नाम क्या है, नर्मदेश्वर। प्रकृतरे ए शिवलिंग अद्भुत थिला। ए शिवलिंगर गोटिए भाग उदा थिला ओ गोटिए भाग सुखिला। शिवलिंग पाखरे रहिछि अगणित शिवलिंग। कुहा जाए ए आकृति ही हेउछि 33 कोटि देवी देवता, जहांक गहणरे स्वयं महादेव अद्भुत रूपरे विराजित। गुंफारे महादेवंक अनेक चमत्कारर दाबी हुए, सेहिभळि एक दाबी हेउछि पथर रे देखा जाउथिबा एहि आकृति, जहाकि अबिकल महादेवंक जटा भळि देखा जाउथिला। ये पूरी जटाएं हैं भगवान शिव की, और इनमें भागीरथी गंगा बह रही, इसलिए कलर क्या है, सफेद है इनका। और इन जटाओं को अगर हम देखें, ये तीन रूप में नजर आती हैं। इसमें आप देखिए इस साइड वाली सफेद है पूरी, हाँ जी ठीक, और बीच वाली काली है, हाँ। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। और बगल वाली भूरी है, हाँ। तीन रूप में नजर आती। केवल महादेव नुहंती, पाताल भुवनेश्वर हेउची विश्वर एकमात्र स्थान जेउठी ब्रह्मा विष्णु और महादेव एका सांगरे विराजमान। पुराणरे पाताल भुवनेश्वर आहुरी अनेक रास्तार वर्णना रही, आमर आगामी यात्रा से ही रास्ता आड़क थिला, जेउठी किछि अद्भुत दृश्य आमको अपेक्षा करिथिला। आम टीम पाताल भुवनेश्वर यात्रार किछि दूरने थिला, आमको कुहागला ए अंधारिया रास्तारे आगको गले आमको एक कुंड देखा देबा। ए कुंड हेउछि सेही कुंड जेउठी समुद्र मंथन परे बाहरिथिबा अमृतकु रखा जाइथिला। जनश्रुति रहिछि सेही कुंड पाखरे रहिछि एक विराट पक्षी जे कि कुंडर रक्षा करिबा पई सेठारे रहिछि। पाताल भुवनेश्वर सत जानिबाकु आम टीम भूमिरु 100 फुट तळकु ओल्हाइ सारिथिला। किछि भी देखिबा संभव नथिला, किंतु किछि उपकरण साहाज्यरे आमे रेकर्ड करिपारुथिलु। आमकु कुहागला किछि समयर यात्रा परे देखाजिब एक कुंड, से कुंड थिला अमृतर। समुद्र मंथनरे बाहरिथिबा अमृतकु एठारे रखा जाइथिबा कुहा जाय। पाताल भुवनेश्वरे थिबा ए सात कुंड आम आगरे बड़ प्रश्न होइ ठिया होइथिला, किंतु ताठारु बड़ प्रश्न थिला कुंड निकटरे थिबा एक विचित्र प्रतिमा। से प्रतिमा एक बड़ पक्षीर आकृतिर थिला। तेबे जदि सतरे ए कौनसी पक्षीर आकृति थिला, तेबे एहार मुंड ओलटा काहीकि थिला। आमको कुहागला एसबु कौनसी संजोग नुहे, एहा हेउछि सेही कुंड जेउठी समुद्र मंथन परे अमृत रखा जाइथिला, जहार सुरक्षा दायित्व दिया जाइथिला एक हंसकु। आमर ए यात्रा आगकु भी जारी रहिबो, किंतु एबे समय होइछि एक छोट ब्रेक र। और उसकी रखवाली की जिम्मेदारी दी गई थी एक हंस को। ये सारे अमृत कुंड है यहाँ पर। जी जी, ये पूरे अमृत कुंड है। तो इनका पहरेदार, पुराणों में उल्लेख है कि हंस को रखा गया। देखिए इस पत्थर को गौर से देखिए, अगर थोड़ी सी इमेजिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा हंस का शेप, एक बर्ड का शेप आपको दिखाई देगा। ये चोंच है, बीक है, ये हेड है, सर है, ये उसकी गर्दन हो गई और ये उसका पूरा शरीर हो गया। और साथ में अगर एक प्रोफाइल शॉट मैं कैमरामैन से कहूँ किसी तरह से दे पाएँ, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर शूट करना, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह का आप एक प्रोफाइल देखें इसका, तो आपको लगेगा कि जैसे वो अपने परों को अपने शरीर से चिपकाकर बैठा हुआ है। तो पूरा हंस का शेप है। ये हंस जो है यहाँ पर इस कुंड की रखवाली करता है। हाँ, रखवाली के लिए इस हंस को रखा गया। इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है
हंस संसार में इतना शुद्ध पक्षी होता है, अगर आप जल में दूध डालेंगे तो ये दूध ही दूध पिएगा और पानी अलग कर देगा। अच्छा। लेकिन ऐसा रहस्य और पक्षियों में नहीं देखा गया है। हंस में ये खासियत है, सबसे शुद्ध पक्षी है हंस संसार का। तो इनको पहरेदारी में रखा गया ताकि इन अमृत कुंड को कोई जूठा न करे। अच्छा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस हंस ने इस अमृत को जूठा कर दिया। अच्छा, हंस ने खुद ही अमृत पी लिया। इन्होंने ये सोचा कि भगवान ने आज मुझे 7 कुंड अमृत के दिए हैं, इसमें से थोड़ा सा अमृत मैं क्यों नहीं ग्रहण कर लेता हूं। तो इन्होंने क्या किया, इस अमृत को जूठा लगा दिया, हालांकि पिया नहीं। तो ब्रह्मा जो शंकर जी हैं वो 3 लोक की जानते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को बता दिया कि देखो हंस ने गलती कर दी है, वो गलती करने जा रहा है, करने वाला है। जी जी जी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो है हंस को ये इनको जो है श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, इसलिए इनकी टेढ़ी गर्दन। पुराण वर्णित समुद्र मंथन सह जोड़ी होई ऐरावत हाथी सहित जो बाहरी अमृत आहाक भगवान इंद्र को दि जा आम को कहगला पाताल भुवनेश्वर रे भी से ही हाथी रो प्रमाण भी रही। ये एराउत हाथी है पूरा। हाँ। ये मस्तक है हाथी का। अच्छा। और ये उसकी सूंड है। ये हाथी के दिखाने वाले दांत है ये जो आप देख रहे हैं, और अंदर के खाने वाले दांत भी है। अच्छा। और एक कान इस साइड में है और दूसरा इससे पीछे साइड में है। अच्छा। और इसकी बाहर की स्किन देखो आप, वो भी हाथी नुमा है, खुरदुरी पूरी। अच्छा। हाँ, हाथ फेर के महसूस करिए आप, जैसे अगर अपने हाथी पर हाथ फेरा हो तो आपको महसूस होगा कि उसकी स्किन जो है वो बहुत रफ होती है, बहुत खुरदुरी होती है। और इस पत्थर में ऐसा ही मुझे फील हो रहा है जब मैं अपना इस पर हाथ फेर रहा हूँ। जी जी। तो हाथी ये एक ही था, लेकिन इसका पुराण में जिक्र है इस हाथी के 1000 पैर थे। 1000 पैर। जी हाँ। अब यहाँ से आप अंदर देखिए, ये पैर है सर। अच्छा। ये आपको नजर आ रहे हैं ना। जी जी जी। ये पूरी पाताल में एरावत हाथी के 1000 पैर लटके हैं, ये जो अंदर आप देख रहे हैं। पुराण रे वर्णना रहिछि एही पाताल भुवनेश्वर रे ही लुचिछि कली युग शेषर रहस्य। आउ एठाकु आसीबा परे आमकु से प्रमाण भी मिलिला। इसमें आप देखिए, ये पृथ्वी है पूरी। अच्छा, ये सारी दुनिया है। हाँ, ये पृथ्वी है पूरी। पृथ्वी है जी। इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग दर्शाए हुए हैं। अच्छा। इसमें आप देखिए, सबसे बड़े कली हैं। ये कलयुग है। हाँ, ये कलयुग का लिंग है, खड़ा वाला जो आप देख रहे हैं जी। इसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुके हैं। अच्छा। यानी कलयुग के साथ जुड़ा हुआ है वो सतयुग। जी हाँ, वो सतयुग है। ठीक है। और ऊपर त्रेता युग है जी। और नीचे में आप देखिए, द्वापर युग है। द्वापर युग है। तो इस कलयुग का ऐसा उल्लेख है सर, ये बढ़ रहे हैं ऊपर को। अच्छा, मतलब ये जो लिंग का साइज है जी जी, ये बड़ा होता जा रहा है। ये बड़ा होता जा रहा है। और जिस दिन ये कलयुग बढ़ते बढ़ते जो है ब्रह्मांड को छूलेगा, ये ब्रह्मांड है ऊपर। हाँ, ऊपर से आप देखिए पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बना है ये जो आप ऊपर से देख रहे हैं। जिस दिन कलयुग इस ब्रह्मांड को छूलेगा उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। कलि युग को दर्शाउथिबा एही लिंग 1.5 मीटर लंबा, आउ ब्रह्मांड को दर्शाउथिबा एही आकृति रु एहार दूरता 3 फुट। पुराणर कथाकु विश्वास करिले पाताल भुवनेश्वरे देखा जाउथिबा समस्त आकृति गोटिए गोटिए अद्भुत संरचना, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोणरु देखिले एहा रसायन विज्ञानर एक सिद्धांत। एक ये क्लेम किया जा रहा है कि वो रॉक जो है उसका साइज बढ़ रहा है, राइट। तो अगर ये क्लेम किया जा रहा है तो रॉक फॉर्मेशन जो है वो अद्भुत चीज है, उसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी अद्भुत चीज़ें हैं। जिन जगहों के ऊपर रॉक फॉर्मेशन हुई है और वहाँ पानी लगातार रिस रहा है और जो ह्यूमिडिटी का लेवल हाई है, तो वहाँ के ऊपर दोनों चीज़ें होती रहेंगी। जहाँ पानी बह रहा है वो रॉक्स को इरोड करता रहेगा, उनको छोटा करता रहेगा। लेकिन जिन जगहों के ऊपर पानी नहीं बह रहा है उन जगहों के ऊपर डिपोजिशन भी होता रहेगा लगातार। पाताल भुवनेश्वर रे देखा जाउथिबा ए सब आकृति को नहीं विज्ञान रो भिन्न मत, गुंफार थिबा ए सब आकृति को नहीं विज्ञान देछि दुईटी सिद्धांत। गुंफार तळु ऊपर को बढ़ुथिबा पत्थर को स्टालिकटाइट कहा जाए। सेहिपरि गुंफार ऊपर तळकु जेउ पत्थर आकृति तयार हुए ताहाकु कहा जाए स्टालिकमाइट। ए सब संभव हुए पत्थर रे रहिथिबा खनिज पदार्थरु।
जहाँकि गुंफारे गैस पानी साहय रूप नहीं था। पथर से आकृति किसी दिन मस कि वर्ष नुहे ए प्रक्रिया हजार हजार वर्ष धरी चली था। जिन गुफाओं के अंदर लगातार रिसता रहता है पानी, उसमें लाख डेढ़ लाख साल की तो आम बात है। जैसे मारुपेंग के इलाके में, जिसके मैं जिक्र कर रहा था, जहाँ जिसको क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं, उसमें ये गुफाएं जो हैं वो तकरीबन ढाई तीन लाख साल पुरानी हैं, और वहाँ पर फॉसिल्स भी जो मिले हैं वो भी लगभग ढाई लाख साल पुराने फॉसिल्स हैं। किसी दिन पूर्व आमर टीम श्रीराम जड़ित एक कहानी खोलताड़ करने को पहुंची छत्तीसगढ़ कुटमसर गुंफारे। से भी देखा मिलता किसी एभली आकृति। केवल कुटमसर गुंफा कहीं विश्वर जेकोसी गुंफा को देखु सबुठी आपण एभली आकृति देखिपारे। यार सबुठ बड़ उदाहरण न्यू मेक्सिकोर कार्लसबर्ग गुंफा। सेठारे भी किसी एभली आकृति दृश्यमान हुए, जमीक आमको पाताल भुवनेश्वर से देखा मिलता। गुंफारे आकृतिर उत्तर निश्चित भाव विज्ञान पाखे रही, किंतु जदि पाताल भुवनेश्वर एसबु कहानी एक वैज्ञानिक घटना, तेरे हजार हजार वर्ष पूर्व स्कंध पुराण में ए संपर्क में केमी लिखा जा प्रश्नर उत्तर विज्ञान पाखे भी ना। कहीं आदि शंकराचार्य ए गुंफार ना देवलोक देते, कहीं पौराणिक कहानी यह कैलाश मानसरोवर यात्रार प्रथम पर्याय क्या पाताल भुवनेश्वर प्रति कहानी तार किभली पुराणर वर्णना सह मेल खाऊ। पाताल भुवनेश्वर सहित जोड़ा कहानी को नहीं विद्वान एवं वैज्ञानिकों मत भिन्न भिन्न। विज्ञान को मानुवा लोकों अनुसार ए सबु कहानी एक सामान्य वैज्ञानिक घटना, जहाँ केवल पाताल भुवनेश्वर से नुहे विश्वर जेकोसी स्थान जेकोसी गुंफार आपण को मिल जाव। सेपटे पुराण को मानुवा लोकों अनुसार पाताल भुवनेश्वर प्रति कहानी सहित जोड़ी हो पुराण वर्णित कथा। एटि भी लड़े विज्ञान और आस्था भितर निष्पत्ति आपण आस्था आगे मुंड नुआ विज्ञान तर्क सहित हाथ मिला। आगामी अध्याय पुणी देखा कि नुआ कहानी सहित जो थी सत आहाना अधा सत अधा गप को ये रखुचु। नमस्कार।